मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने की वजह से 34 साल की लीलाबाई प्रभु राठौर की जान चली गई है। यह हादसा शैलेश नगर बंजारा बस्ती मुंब्रा बाईपास पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह महिला शाम के वक्त 5:30 बजे के आसपास शौच करने के लिए मुंब्रा बाईपास पर गई थी और इसी दौरान लीलाबाई एक ट्रक की चपेट में आ गई और घटनास्थल पर ही इनकी जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में कामयाब रहा, मगर वही चश्मदीद सागर राठौर ने ट्रक का मॉडल नंबर और ट्रक के कलर के बारे में उसने पुलिस को जानकारी दी है। वही हादसे के बाद यहां पर जो मुंब्रा बाईपास के किनारे बंजारा समाज रहता है, इनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। यहां की रहने वाली महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके इलाके में ना ही शौचालय है और ना ही पानी की व्यवस्था है। शौचालय न होने की वजह से महिलाओं को मुंब्रा बाईपास के किनारे जाना पड़ता है, वो भी पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि शाम के वक्त ही ये शौच करने के लिए महिलाएं मुंब्रा बाईपास पर जा सकती हैं। और आज इसी तरह लीलाबाई शाम के वक्त ही मुंब्रा बाईपास पर शौच करने के लिए गई थीं और हादसे का शिकार हो गई। महिलाओं ने बताया कि अब तक इस तरह से तीसरी घटना ये हो चुकी है। शौच करने आए 3 लोग मुंब्रा बाईपास पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। हालांकि हादसे की जानकारी मुंब्रा पुलिस और ट्रैफिक विभाग को मिली। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बारे में चश्मदीद सागर और मृतक महिला के रिश्तेदार जीवन चौहान और जीतू बाबू राठौर और स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। भाई क्या नाम है आपका और क्या हादसा हुआ बता सकते? मेरा नाम है जीवन चौहान। हम लोग अभी सालों से यही देखते आ रहे हैं कि इधर कुछ ना कुछ हादसा होते आता है। अभी जो पता चला हमारे रिलेटिव में ही है, जो लीलाबाई प्रभु राठौड़, उनका अचानक में ऐसा हादसा हो गया कि कोई ट्रक वाले कुचल के चला गया। पर इधर कोई सीसीटीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको उनके कैसा पीछा करना है वो हमको कुछ समझ में नहीं आया। दो बच्चे लोग गए थे पीछे, पर पता नहीं चला अभी तक कहाँ है कहाँ नहीं। और गाड़ी का नंबर पता चला, बोले 1109 करके गाड़ी का नंबर उन्होंने, बच्चे लोग ने वही बताया कि गाड़ी का नंबर है करके। हम लोग जब से ऑफिस से इधर आने तक, नीचे से जब ऊपर आने तक, हमको यही पता चला कि खाली गाड़ी नंबर ही पता चला है और सामने देखा तो बॉडी मिल रही है, कुछ हमें पता नहीं है। कि हमारे साथ यही अक्सर यही होते रहता है, अक्सर यही हादसा होते रहता है कि बार बार यही है। दिन में भी रात में भी बाथरूम नहीं है तो क्या बोलेंगे। कहाँ जा रही थी लीलाबाई? वैसे बाथरूम जा रही थी, वो टॉयलेट जा रही थी। तो आपके इधर शौचालय का कुछ नहीं है? कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है, शौचालय का बंदोबस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रोड क्रॉस, ये तीसरा केस है। रोड क्रॉस करके जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। उधर बावड़ी कुआ है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, हम लोगों को पीने के लिए पानी वहाँ से लाना पड़ता है। इतना हम लोग की मजबूरी है। देखो शौचालय बच्चे से लेकर बड़ा इंसान तक, बूढ़े तक, सब जान जवान सब लोग ये बाईपास पार होके जाना पड़ता है। पानी नहीं आएगा तो वो बावड़ी है, पानी बावड़ी है। बावड़ी है वो, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, कोई नहीं कुछ करता है। इलेक्शन के टाइम में आकर खड़े होते हैं, वोट देने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। शौचालय के वजह से सबकी जान जा रही है, पता नहीं क्या क्या होएगा। ये रोड बनी जब से तो बहुत कुछ हो गया इधर। क्या नाम है भाई आपका? जीतू बाबू राठौर। ये हादसा मुंब्रा बाईपास पे हुआ है, महिला का क्या नाम है जिसका हादसा? लीला प्रभु राठौर। लीलाबाई शौचालय के लिए जा रहे थे, यहाँ पे कोई शौचालय तो है ही नहीं। ये शैलेश नगर हो गया, उदयनगर हो गया, इनके अंदर खाली एक ही है, वो भी पूरा भरा पड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है वो। ये इससे बड़ा हादसा तो वो हो सकता है, पर उसको अभी तक कोई बनाने का नाम नहीं ले रहे और उसका काम कोई कर नहीं रहा है। और यहाँ पे जो अभी महिला है वो वहाँ पे जाती नहीं, ये बाईपास के पार जाती है वो साइड में। नीचे था तो ऊपर आया पेशाब करने के लिए, तो एक और मेरी मौसी जो बाथरूम को जा रही थी, तो अचानक में एक ट्रक आया, उसका एक्सीडेंट करके चले गया। कितने बजे के वक्त हुआ तकरीबन? अभी कम से कम 5 बजे के, 5:45 के बीच में हुआ ये सब। गाड़ी वगैरह कुछ देखा आपने? उस गाड़ी ना देखा, गाड़ी का पीछा भी किया, मुझे लगा कोई दूसरा है। हम लोग गाड़ी का पीछे भी किए, लेकिन जो हमारे लिए एक टेम्पो रुका था ना छोटा, हम उसके अंदर बैठ के गए वो गाड़ी के पीछे करना, लेकिन वो गाड़ी आगे चले गई। जो हम लोग टेम्पो में गए ना,
वो स्लो था, इसलिए हम लोग रिटर्न उतर के आ गए। तो गाड़ी में कुछ देखा आपने, कुछ लोड था, कौन से कलर का था, ऐसा कुछ जानकारी? वो तो ऑरेंज कलर का गाड़ी था, बड़ा था। मॉडल मॉडल नंबर कुछ मालूम? मॉडल नंबर 1109 ये था। और जो हम लोग टेम्पो में बैठे थे ना, वो टेम्पो वाले ने भी बताया कि वही नंबर है, मॉडल नंबर है।